गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड. टुडे विल बी डिस्कस अबाउट चैप्टर टू यूनिक अर्थ. लास्ट टॉपिक है इसका रिवोल्यूशन. हमने यूनिक अर्थ के बारे में डिस्कस किया, रोटेशन क्या है, अर्थ मूवमेंट क्या है, एटमोसफियर क्या है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया. अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन है उसकी निरीक्षण या परिक्रमा जो भी होती है उसकी करनी है. अब क्या कह रहा है ध्यान से देखना. रिवोल्यूशन लास्ट पैराग्राफ है बुक का, सबसे लास्ट में देखो. द अर्थ वाइल स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सेस इज आल्सो रिवोल्विंग और मूविंग अराउंड द सन. अब क्या कह रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए भी परिक्रमा या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी दूरी पर घूमते हुए भी सूर्य के चारों ओर घूमती है. ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑन एन ऑर्बिट. और सभी ग्रह सूर्य के जो जितने भी ग्रह होते हैं सूर्य के, वो सारे ग्रह क्या होते हैं, अपने ही रास्ते में अपने ही पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं. ओवर अर्थ टेक्स 1 year or about 365 1/4 days to complete this journey. और यह अपनी यात्रा यानी अपना जो चक्कर होता है, पृथ्वी जो अपना चक्कर पूरा जो लगाती है वो कितने समय में लगाती है, 365 1/4 days में अपनी एक चक्कर को पूरा करती है. This movement of the earth around the sun is called revolution. इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस गति को, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस गति को जो पृथ्वी मूवमेंट करती है उस गति को क्या कहते हैं, क्रांति, रिवोल्यूशन कहते हैं. This causes season, spring, summer, autumn and winter. और इनके कारण क्या होता है, इनके कारण मौसम चेंज होता है. कौन कौन सी ऋतु होती है, स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु, समर यानी ग्रीष्म ऋतु, ऑटम यानी शरद ऋतु और विंटर यानी शीत ऋतु, सर्दी का समय जो आता है. ठीक है, फिर द अर्थ आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस वाइल टू गोस अराउंड द सन. अब क्या कह रहा है, इससे ऋतु पृथ्वी भी अपनी धुरी पर, पृथ्वी क्या करती है अपनी धुरी पर घूमती है जबकि सूर्य के चारों ओर घूमती है. लग तो क्या रहा है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है लेकिन लग क्या होता है, वह सूर्य के चारों ओर घूमती है. ड्यूरिंग द मोमेंट द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन हैज समर. और इसके दौरान क्या होता है, सूर्य की सीधी गर्मी प्राप्त करने पर पृथ्वी के हिस्से में क्या होती है, गर्मी होती है. गर्मी क्या, सीधी प्राप्त करने वाली क्या होती है, सीधी गर्मी प्राप्त होती है. फिर द अदर पार्ट विच डज नॉट रिसीव द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन हैज विंटर. और जो सूरज की सीधी गर्मी प्राप्त नहीं होती, जिसको सूरज की सीधी गर्मी प्राप्त नहीं होती वहां क्या होती है, सर्दी होती है. और ये किसके कारण कॉजेज, ये मौसम परिवर्तन होता है, पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और ये अपना समय कितना समय में पूरा करती है, अपना एक चक्कर 365 1/4 days में अपना कंप्लीट चक्कर पूरा करती है. आज ये हमारा हुआ है चैप्टर कंप्लीट. आज हम अब इसके करेंगे ट्रू एंड मैच द फॉलोइंग. अब इनको क्या करना है, मैच करना है. कॉलम ए, वे मैच कॉलम ए विद कॉलम कॉलम बी. C O L U M कॉलम. अब इसका फर्स्ट I M A G I
एन ए आर वाई मेजरिंग लाइन, एल आई एन ई लाइन. इसके आगे लिखेंगे डब्ल्यू एच ओ एल ई ऑल बॉडी, बी ओ डी वाई बॉडी. इसको नजर आ रहा है बॉडी ऑफ एयर, एयर सराउंडिंग एस यू डबल आर ओ यू एन डी आई एन जी सराउंडिंग. फिर है वन ईयर, ओ एन ई वाई ई ए आर वन ईयर. वन ईयर में क्या हो गया टी यू आर एन आई एन जी टर्निंग आर ओ यू एन डी टर्निंग राउंड. फिर है टेम्परेचर, टी ई एम पी ई आर ए टी यू आर ई. टेम्परेचर क्या हो गया इसका नाइदर, एन ई आई टी एच ई आर नाइदर टू, नाइदर टू हॉट नॉर नॉर टू कोल्ड, सी सी ओ एल डी. ओके फिर है क्वेश्चन नंबर फोर, एटमोस्फियर ए टी एम ओ एस पी एच ई आर ई एटमोस्फियर. एटमोस्फियर और एक मिनट, एटमोस्फियर में लिखना है एन ई आई टी एच ई आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. यहां लिखना है 365 days. अब लास्ट है आर ई वी ओ एल यू टी आई ओ एन रिव्यूल्यूशन. रिव्यूल्यूशन हो गया ए एक्स आई एक्स एक्सेस. ठीक है ये हो गया पर. ठीक है अब इनको क्या करना है मैच करना है. अब है इमेजरी लाइन. इमेजरी लाइन क्या करती है अपनी दूरी पर घूमती है तो इसको लगाना है इसको एक्सेस पर. इमेजरी लाइन एक्सेस. अब है वन ईयर. क्या है वन ईयर कितने में कितने समय में अपना कंप्लीट करती है 365 days. फिर वहां का टेम्परेचर कहां का अब वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा ना इधर वहां का टेम्परेचर कैसा होता है ना गर्म होता है और ना ही ठंडा होता है. ना इधर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. फिर है एटमोस्फियर. अब एटमोस्फियर वायुमंडल कैसा होता है ये हो गया होल बॉडी ऑफ एयर सराउंडिंग. अब लास्ट है रिव्यूल्यूशन दूरी पर घूमता है टर्निंग राउंड. अब इसका इमेजरी लाइन. इमेजरी लाइन क्या हो गया एक्सेस. इमेजरी लाइन एक्सेस वन ईयर 365 days. फिर है टेम्परेचर. टेम्परेचर इसका क्या नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड ना तो गर्म होता है और ना ही ठंडा होता है. फिर है एटमोस्फियर वो होल बॉडी ऑफ एयर सराउंडिंग. अब लास्ट कौन सा है रिवोल्यूशन रनिंग राउंड. ओके इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से इसका वर्क करना है. इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा
और इस वीडियो को देख के लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।